अब बात करेंगे रिंग वॉर्म या फंगल इन्फेक्शंस की। बरसात बरसात में जो आप लाल गोल निशान या लीजन्स देखते हैं चेहरे पे, गर्दन पे, बगलों में, कमर में, पेट के ऊपर, जो जिनमें खुजली होती है और ऐसे एक सिक्के के किनारे की तरह जो निशान बनते हैं, उन्हें फंगल इन्फेक्शंस या टीनिया या रिंग वॉर्म कहा जाता है। जब ये स्कैल्प पे होता है तो उसको टीनिया कैपिटस कहते हैं। अगर ये आपके नाखूनों में हो जाए तो नाखूनों में होने वाला फंगल इन्फेक्शन या ओनाइकोमाइकोसिस कहा जाता है। तो इससे बचाव के लिए मानसून में ख़ास तौर पर अपने व्यक्तिगत सामान को बिल्कुल साझा ना करें। अपनी त्वचा को साफ और सूखा रखें। सूखा रखना, ड्राइनेस इज़ द की। और अगर आपको रिंग वॉर्म हो गए हैं तो उसके उपचार के लिए मैं आपको आज तीन दवाइयाँ बताऊंगी। तो सबसे पहले है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम 30 की 4-4 गोलियाँ आप सुबह, दोपहर, शाम को सप्ताह भर ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बड़े एरिया में टीनिया का पैच होता है, जो रिंग वॉर्म का जो एरिया है वो बड़ा होगा टेल्यूरियम में। और कभी कभी जैसे दो पैचेस बन रहे हैं वो दोनों मिलके जुड़ जाते हैं और एक बड़ा पैच बना लेते हैं। खुजली बहुत ज़्यादा होती है तो जो ये बड़ा पैच है इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग रिंग लीजन्स। और खुजली दिन में भी ज़्यादा हो सकती है और रात में भी, दिन या रात दोनों में ही ज़्यादा खुजली हो सकती है टेल्यूरियम के मरीजों को। तो दूसरी दवा है सल्फर। सल्फर आप इसमें 30 पोटेंसी में लेंगे, 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम को, सप्ताह भर तक। इसमें क्या होता है, खुजली बहुत होगी रिंग वॉर्म लीजन्स में, और खुजली के बाद जलन। अगर आपको बहुत खुजलाने के बाद जलन बहुत ज़्यादा है तो आपकी दवाई है सल्फर। सल्फर में एक और इंडिकेशन है, अगर आपको लंबे समय से फंगल इन्फेक्शन होते आ रहे हैं और आप उनके उपचार के लिए बहुत सारे ऑइंटमेंट्स का प्रयोग करते हैं, बहुत लोकल एप्लीकेशंस लगाते हैं या बहुत आपने उपचार कर लिया है लोकली उसका, तो सल्फर आपके लिए प्रभावकारी सिद्ध होगी। उन सभी लोकल एप्लीकेशंस के इफ़ेक्ट्स को ये डील करती है। तीसरी दवाई है सीपिया। सीपिया का 30 पोटेंसी में सेवन सुबह शाम आप एक हफ्ते तक कर सकते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में फंगल इन्फेक्शन के लिए ये कारगर है, पर ज़्यादातर जो इसमें इन्फेक्शन होते हैं वो घुटने और कुहनी के मोड़ पर अधिक प्रभावित वाले एरियाज हैं, घुटना और कोहनी का मोड़। और सीपिया के जो लीजन्स होंगे, सीपिया और टेल्यूरियम में फ़र्क है, सीपिया के जो रिंग्स होंगी वो अलग अलग रहती हैं, एक लीजन फिर दूसरा लीजन। जब ये लीजन मिल रहे हैं तो दवाई है टेल्यूरियम, जब ये लीजन्स अलग अलग हैं तो आपकी दवाई है सीपिया। अगर आपका कोई अन्य प्रश्न है तो आप हमें लिख सकते हैं hopehealthhomeopathy@gmail.com। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।